तो हम लोग समझते हैं गाना लिखने के बारे में। जैसे मैंने पहले बनाया है वीडियो, गाना किस तरह लिखते हैं उस पर दो वीडियो मैं बना चुका हूँ, आप लोग देख चुके होंगे, और जो नहीं देखे हैं वो देख सकते हैं। गाना लिखने के बारे में अब जब भी कोई वीडियो बनाऊंगा तो इस तरह ही मैं बनाऊंगा। तो चलिए हम लोग समझते हैं कैसे गाना लिखेंगे। इससे पहले वीडियो पे जैसे हम लोग बात कर चुके हैं कि अंत शब्द का पहला पहला अक्षर अलग कर देने से जो बच जाता है वो एक जैसा होना चाहिए, पर हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर एक जैसा बिल्कुल नहीं है, ये अलग है ये अलग है, मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसे भी चलिए हम लोग समझ के देखते हैं, ध्यान से देखा करिएगा जो गाना लिखना चाहते हैं उनको मैं कह रहा हूँ। तो चलिए इसे मैच करके देखते हैं। तो मैं लिख रहा हूँ, अभी हम लोग देख सकते हैं कि मैंने शब्द को मैच कर दिया है। जिस तरह से हम लोग बात करते हुए आ रहे हैं उस हिसाब से अब ये गाना पूरा क्लियर हो चुका है। शब्द तो मैच हो गया लेकिन सुर मैच नहीं कर रहा। जैसे कि यहाँ का लाइन आप लोग सुने होंगे, आप लोग सुन रहे होंगे मेरा MP3 को, ये जो लाइन एक बार जाता है इसका सुर अलग है, फिर ये दूसरा लाइन में जो सुर है इसका सुर अलग है ना, ये तीसरा बाद में बात करते हैं, इन दोनों में ही थोड़ा सा दिक्कत है, इन्हें समझते हैं। शब्द तो मैच हम लोग कर दिए पर सुर अलग होने के कारण में मुझे लग रहा कि ये अधूरापन है, तो इसलिए इसे इस तरह हम नहीं सुधारते हैं, उसको वैसे ही रहने देते हैं, तो इसका आपस कर देते हैं। जिस तरह मैं पहले भी वीडियो बता चुका हूँ कि ये गाना का शुरुआत में जो भी शब्द आएगा उसमें अगर उतना मैच नहीं भी हो पाता है तो चलेगा, अंतराल पे वैसा नहीं होना चाहिए। अंतराल पे शब्दों को ढूंढने का कोशिश करेंगे उसके बाद लिखने की कोशिश करेंगे। तो ये एक लाइन इसे नहीं समझेंगे क्योंकि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि अंत में जो शब्द है उसको मैंने मैच किया है, सिर्फ एक अक्षर अलग है और उसके बाद जो बचने वाला शब्द है वो एक जैसा है, इसलिए इसे दो लाइन समझेंगे एक लाइन नहीं समझेंगे। तो इसे अलग करके दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं सिर्फ एक एक अक्षर अलग हो गया और बचा हुआ शब्द एक जैसा ही है, ठीक है। मेरे कुछ ऐसे भी दोस्त हैं, मेरे जान पहचान हैं जो मेरे वीडियो को देखते हैं, वो आदिवासी नहीं है और उन्हें भी अच्छा से समझ में आ जाए, इसीलिए किसी किसी वीडियो में मैं हिंदी में भी बोलता हूँ, इसलिए आप लोग माइंड मत कीजिएगा। और मुझे लगेगा कि मेरा कोई कोई वीडियो वो लोग अगर नहीं भी देख पाएंगे तो चलेगा, ऐसे वीडियो पे मैं अपना हो भाषा में बात करूँगा, और जिसमें लगेगा कि मुझे मेरे दोस्तों को भी ये समझ में आना चाहिए तो उस पे मैं हिंदी में बात करूँगा, ठीक है। वीडियो का थंबनेल पे आप लोग देख लीजिएगा जिस पे लिखा होगा कि ये वीडियो सिर्फ हो भाइयों के लिए, हो आदिवासियों के लिए, इस तरह कुछ लिखा होगा, तो उस पे आप लोग समझ जाइएगा कि मैं सिर्फ उस पे हम लोग का हो भाषा पे ही बात करूँगा। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, अमा आयर जानब तम दुकु में ना आ, होमो उम्बुल लेकागे ओतोंगा कामेया, जीवन रिया नियम नेले कागे में ना आ, सुकु नमतिम सेना का दुकु गे नामे ना, मेंदो दुकुई ते अम आलम बोरोया, आयर पा सेने मेट दा आलम जोरोया। इसका हिंदी में होता है अर्थ, हमारा आगे पीछे दुख जो है एक परछाई की तरह पीछा करता रहता है, जीवन का यही नियम है, हम सुख के तलाश में रहते हैं पर दुख ही मिलता है, लेकिन तुम दुख से मत घबराना, आगे चलते रहो आंसू मत बहाना, इस तरह से इसका मतलब बनता है। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे के अंतराल की ओर चलते हैं। ये मेरा पहला अंतराल है, यहाँ लिखा हुआ है जैसे कि गाना किस तरह लिखने के बारे में हम लोग समझते हुए जा रहे हैं, तो उसके हिसाब से ये गाना मेरा दो लाइन का है, पहला लाइन दूसरा लाइन, दोनों लाइन का अंत वाला जो शब्द होता है उसको हम लोग गौर करते हैं। पहले हम लोग बात कर चुके हैं इस पर, जैसे कि यहाँ अंत में हम लोग ध्यान देते हैं कि
एक शब्द खाली अलग होना चाहिए, लेकिन यहाँ अंत के जो भी शब्द आ रहे हैं दोनों एक जैसा ही है। अगर दोनों एक जैसा है तो उसे एक शब्द आगे जाएंगे, जैसे यहाँ पे और यहाँ पे, इन दोनों में से सिर्फ एक एक पहला अक्षर को अलग करेंगे। अब हम लोग देख रहे हैं कि एक एक अक्षर ही अलग हुआ और उसके बाद जो शब्द बच गया है वो बिल्कुल एक जैसा है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ लिखा हुआ है, दुकुर या रूप चिलिके मैना आ काबू नेलाडा काबू आदाना, गापा रे या दिन ओकोयमा काजी दाइये मैना अबू तिसिंग आबू आदाना। हिंदी में इसका मतलब होता है, दुख का रूप जो है वो किस प्रकार होगा हम लोगों को नहीं पता, हम लोग को सिर्फ इतना ही पता है कि हम लोग आज हैं। तो चलिए हम लोग आगे दूसरा अंतराल कर चलते हैं। हम लोग देख ही रहे हैं कि सिर्फ एक अक्षर अलग हुआ और उसके बाद जो बचा हुआ शब्द है वो बिल्कुल एक जैसा है, अंतर जरा भी नहीं है। बस इस तरह ही समझने की कोशिश करते रहेंगे, बस यही बात है इसमें, इतने तक था। और इसका क्या मतलब होता है इसे मैं बताना चाहूँगा। वो आर्यन को लाग जा दुखों में साथिंगे रेओ मुसिंग अमनाए बोगी काको मेहता में अमा उम्बुल सूबे रे बोधि सभी को नामे इन रेओ मुसिंग अमना आए काको हेता में। इसका अर्थ हिंदी में, घर परिवारों के लिए आप चाहे जितने भी तकलीफ उठाते हैं घर के लोगों को खुश करने के लिए, लेकिन उसका आपको वैल्यू नहीं मिलता। आपके सहारे, आपका सहारे रह करके घर के लोगों को अकल भी आ जाता है, अपना पैरों पर खड़ा हो जाता है, उसके बाद आपको मुड़कर तक नहीं देखा जाएगा, यही मतलब निकलता है इसका। आप लोग देखे ही होंगे, आप सब में से पता नहीं कितने लोग ऐसे होंगे जो कि इस तरह से अपना जीवन को महसूस किए होंगे। आप घर परिवार के लिए जीते हैं, कुली कबाड़ी मजदूरी कुछ भी करते हैं, मेहनत करते हैं, घर के बारे में आपको चिंता होता है कि कैसे करके मैं हेल्प कर पाऊँ घर के लोगों को। बाद में पता चलता है कि आपको इज्जत, आपको कोई इज्जत नहीं करता, फिर भी इस तरह से जीवन में अपना दिन आता है। ऐसे स्थिति में इंसान घबरा जाता है और वो समझ नहीं पाता है कि हम कहाँ जाएं, या तो फिर नशा करने लगता है, अपने को उजाड़ने में लग जाता है। ऐसे ही समय पे उसे संभलना चाहिए, किसी भी तरह से संभलने की कोशिश करना चाहिए। बहुत बड़ा महान आदमी बनने के लिए ना ही सही, लेकिन जीवन ऐसा भी होता है, इसी को समझने की कोशिश करते हुए संभल के धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए। बस यही मैं बताना चाहता था इस गाना के माध्यम से। अगर दुख तकलीफ है किसी भी विषय पर भी, अगर जितना भी लिखेंगे कम ही पड़ता है, अगर इस पर और भी लिखना चाहें तो और भी लिख सकते हैं, शब्दों को ढूंढने में मुश्किल होता है, तो मैंने ज़्यादा लिखा नहीं, बस हल्का फुल्का शब्द को मैं ढूंढने की कोशिश किया। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो पर।